जल संकट काफी तेजी से गंभीर रूप धारण करता नजर आ रहा है। इसके साथ ही पानी को लेकर सियासत भी अब अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार पर पानी न देने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी इस जल संकट को केजरीवाल सरकार की लापरवाही और जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न हुई समस्या करार दे रही है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं, सांसदों और विधायकों ने दिल्ली में आज 14 जगह पर आपके खिलाफ मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लक्ष्मी नगर चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पानी की कमी कोई प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार की कुव्यवस्था और लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड में जब स्वयं अरविंद केजरीवाल चेयरमैन रहे तब से ही जल बोर्ड को लूटने और पानी की चोरी का खेल शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है, पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए, तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार। 600 करोड़ रुपए के लाभ से लेकर जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे तक लाने के जिम्मेदार सिर्फ अरविंद केजरीवाल है।